हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट एनिमे बंदा नहीं, अब मैं हूँ बॉन्डिन ग्रेनिंजा। गाइस, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। वैसे गाइस, इस बात से आप लोगों को अच्छा लगा मेरा नया नाम। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पोकेमोन के ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ जिनसे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। और गाइस, मुझे सच्ची में पोकेमोन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इससे मैं ज़्यादातर पोकेमोन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। इस बात से ऑफेंड मत होइएगा डोरेमोन और शिनचैन के फैंस, प्लीज़ आप सब इस बात से नाराज मत होइएगा, समझ गए? तो आज की वीडियो है शो 5 टाइम्स हेलो फीलिंग्स फॉर डॉन। आज की वीडियो बहुत ऑसम होगी, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर 5 पे आता है डॉन एंड ऐश हाई फाई। जिस एपिसोड में जो डॉन है ना और ऐश है, वो हाई फाई रहते हैं। और आप सब बोलोगे ऐसा तो बहुत बड़ा हुआ है डायमंड पल्स सीरीज में ऐश एंड डॉन का हाई फाई, ये तो ये बड़ी बात है नहीं। अरे बहुत बड़ी बात है, ऐश किसी भी लड़की तो यू ही तभी छूता नहीं है, ये आप लोग बात करो। और ऐसा बहुत बड़ा होना अब तो लगता नहीं है कि ऐश चाहे डॉन को पसंद करता है। और ऐश तभी भी इतना सख्त लौंडा है कि वो तभी भी ऐसी लड़की तो नहीं छूता है। और इस एपिसोड में होता है, मैं बताता हूँ। इस एपिसोड में जो वॉलेंस सब की बात होती है, जब ऐश अपना परफॉर्मेंस करके आता है और परफॉर्मेंस सत्य डॉन तो जाना पड़ता है, और फिर डॉन एक हाई फाई देती है और ऐश भी, ये होता है इस एपिसोड में। और ऐसी चश्मे से काफ़ी अच्छा भी था। तो गाइस, अब नंबर 4 पे आता है डॉन की एक बहुत बुरी बात हुई थी इस एपिसोड में। जैसे डॉन है ना, उससे बचपन की स्टोरी दिखाई दे थी इस एपिसोड में। बचपन में उससे प्लस माइनस ने जो स्तर दिया था, जिसके कारण ये हुआ था। और गाइस, आपको ये एपिसोड देखना चाहिए। इसमें ऐसे डॉन ने अपना लास्ट बैज मतलब कि रिबन हासिल करना था, और उसके सामने से प्लस वन और माइनस, जिससे वो बहुत डरती है किसी तरह से। आप लोग ये एपिसोड देखना चाहिए, मैंने तो पूरा देखा हुआ है। बहुत पता नहीं क्या हुआ था डॉन के साथ। वैसे ही जब भी आपको पता चलेगा जब आप ये एपिसोड देखेंगे, तो जल्दी से जाते इस एपिसोड तो देखो। वैसे सिंपली मैं बताऊँ इस एपिसोड में होता क्या है, मैं नॉट स्पॉयलर्स में आप लोग बहुत कम बताऊंगा। तो डॉन है ना, इस एपिसोड में बेहोश हो जाती है प्लस एंड माइनस की वजह से। और गाइस, ऐश बहुत चिंता में आ जाता है, अब उसे क्या करना चाहिए। फिर डॉन ने ब्लॉट उसे एडवाइस देता है कि क्या तुम्हें ब्लॉट बोलता है, तुम्हें डॉन को थोड़ा सा हॉट मिल्क देना चाहिए जिससे वो ठीक हो जाए, जब वो उठ जाए, जब बोलना ये। और ऐश समझ जाता है और वो डॉट डॉट ने बताए हुए जी करता है ये सब। गाइस, डॉन की वैसे इतनी बुरी हालत होती है, हंसी आ रही है थोड़ी अभी भी। पर जब डॉन उठ जाती है, जब ऐश उसे देता है हॉट मिल्क और पिपलप थोड़ा सा हंसा होता है ये सब पता नहीं क्यों, और फिर डॉन उस पर चिल्लाती है ये होता है। और फिर ऐश बताता है कि ये आइडिया मुझे ब्लॉट ने दिया था। वैसे डॉन हैरान होती थी, ऐश तभी भी अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता, उसने ऐश ऐसे किया से ये उसे डॉन तो ऐश बताता है कि ये उसे आइडिया ब्लॉट ने दिया था। और वैस डॉन बोल थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, जो डॉन है बिल्कुल गुस्सा होती, उसे पता है कि ऐश अभी भी अपनी फीलिंग्स भी शो नहीं करता है क्योंकि वो सच लौंडा है। जब तक उसे बताए नहीं ये सब करना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। यही बात तो मुझे ऐसी सबसे ज़्यादा पसंद है। और गाइस, ऐसा होता है इस एपिसोड में, काफ़ी अच्छा एपिसोड था जिसने तो मुझे बहुत पसंद है ये एपिसोड। अब उसके बाद आते लो, अब हम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, एक नोटिफिकेशन आया गाइस, सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए। मैं भी अपना फ़ोन साइलेंट पे कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस ना हो। ओके गाइस, अब मेरा फ़ोन अपना साइलेंट पे कर देता हूँ, मैं डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। चलो अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे वाइस डॉन डूम हो जाती है। डॉन रॉन ऐश तीनों एक माउंटेन पर डूम हो जाते हैं, एक छोटे से माउंटेन पर डूम हो जाते हैं। और ये माउंटेन भूल भुलैया जैसा होता है पूरा। आपने बार पता है ये पूरे माउंटेन में इतनी मुश्किल होती है उन सब तो। वैसे इसे तो कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं इस माउंटेन का तो नाम था, मैं वो नाम तो भूल गया। बट इस एपिसोड में ना ऐश की रियल फीलिंग्स पता चलती है हमें डॉन के लिए। तो गाइस, इस एपिसोड में सिंपली ऐश तो मिलता है हम सबसे प्यारा धवन डी पॉल पॉल पॉल। और पॉल बोलता है, तुम पॉल से ऐश पूछता है तुमने डॉन तो देखा है।
दोनों ब्लॉक तो देखा है, तो बहुत बोले थे मैंने उन दोनों नहीं देखा है सिंपली, जैसा वो हमेशा देता है। फिर ऐसा थोड़ा चिंता हो जाता है कि डॉन कैसी हो दी, वो ठीक हो दी या नहीं, इस उसे चिंता हो जाती है डॉन की। गाइस ऐश तो बहुत चिंता होने लग जाती है, वो सोचता है कि अब क्या होगा, डॉन ठीक तो हो दी, ये सब सोचने लग जाता है। और फिर हमारे हीरो तो देखता है एक विजन, यानी कि उसकी इमेजिनेशन होती है एक, उसमें जो होता है ना डॉन तो एक बड़े से ऑरेंज में पतला होता है, और ऐश डॉन से पूछ ऐश तो डॉन बोलती है आई एम फाइन, ये बोलते इलिश डफ की बात हो रही है राइट। और ऐसी सब डॉन ऐश की इमेजिनेशन होती है, ये तो असलियत में नहीं हो रहा होता है। और फिर ऐश बोलता है यू आर नॉट फाइन, ऐसा बोलता है ऐश। उसके बाद हमारा हीरो ऐश टचम सीधा डॉन तो ढूंढ ले जाते हैं, वो ऐश और पिताचू दोनों डॉन तो ढूंढ रहे होते हैं, डॉन कहाँ पे है, ये सब हो रहा होता है। और इस आपको पता चलता है कि डॉन की ऐश कितनी परवाह करता है, वो कितनी खास है उसके लिए, इस एपिसोड में हम सब पता चल जाता है। और गाइस वैसे बताऊँ मैं अपनी वीडियोस टाइम मास्टर से बनाने लग गया हूँ, फिल्मिक्स से नहीं, अब वैसे मैं दोनों यूज करता हूँ, जिससे मेरी वीडियोस का थंबनेल फिल्मिक्स और टाइम मास्टर से मस्ट वॉच और एडिटिंग। तो गाइस ये बात करते हैं साइड में, अब चलो भरते हैं नंबर टू की तरफ। नंबर टू पे भाई डॉन जैसा काफ़ी बुरा होता है, आपको पता है ना डॉन लेती है टोंटेस में हिस्सा, और डॉन इस बार मतलब टोंटेस में पहला राउंड तो हर बार जैसे पार चल जाती है, मतलब जीत जाती है, पर दूसरे राउंड में हम सबकी प्यारी डॉन फिर से हार जाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है डॉन हारे, कितना बुरी बात है डॉन आ रही। वैसे नहीं सब मतलब डॉन मेरी थर्ड फेवरेट पॉटी चल रहा है, मतलब सेकेंड फेवरेट, मिस्टी और डॉन मेरे लिए बराबर है, सरीना नंबर वन है इसलिए। और फिर नहीं जब डॉन हार जाती है, जब जैसी ना बोलती है अब तुम्हारा जाता हो इनाम नहीं चली जाओ, फिर डॉन बोलती है मैं यहीं पर रहूँगी, वो काफ़ी उदास होती है। फिर ऐश की जब कैमरा लगा जाता है, कैमरे में ऐश की आँखें दिखाई जाती है, गाइस ऐश इतना दुखी होता है। और फिर सीधा ऐश अपनी आँखें यानी कि अपनी टैप ना यूँ नीचे कर लेता है, जिससे तो देख ना पाए कि ऐश दुखी है। ऐश ऐसा जब ही चाहते हैं जब वो बहुत दुखी होता है, लेकिन आप लोग तो ये पता ही होगा, आप पोकेमोन बहुत अच्छे से देखते हैं, आपको तो पता होगा जब ऐश ऐसा जब ही चाहता है जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और ऐश बताऊँ ऐसा क्यों रहता है, वो दिखाना ही चाहता अपने अंदर से, और ऐसे ऐसा उस वक्त जितना दुख होता है जितना उसे अपनी हार पर भी नहीं होता। आप समझ ही सकते हैं डॉन एक्चुअली कितनी ज़्यादा खास है। और डॉन ना मुझे बहुत क्यूट भी लगती है, कैप उतारने के बाद भी, और कैप पहने हुए तो और भी ज़्यादा। चलो बात करते हैं लास्ट यानी कि नंबर वन पर कौन सा एपिसोड है, ये बहुत इमोशनल एपिसोड होता है, जैसे कि मिस्टी ऐश ब्रॉड तीनों के अलग का एपिसोड आया था, ऐश और सरीना के अलग एपिसोड था, ये था डॉन और ऐश से अलग होने का एपिसोड। इस एपिसोड में सिंपली ऐश तो और ब्रॉड तो वापस जा रहे हैं पहले टाउन मतलब कि टेंपल डिजन, और डॉन बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि वो लोग वापस जा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि डॉन उसकी मॉम से भी बोलते हैं, ऐश बोलता है उसकी मॉम से कि डॉन ने सर बिताया हुआ बट मुझे बहुत पसंद है, और डॉन से साथ उस एपिसोड में ऐश बहुत मजा आता था। जब ऐश जा रहा होता है ना तो डॉन बहुत रो रही होती है। डाइस ये एपिसोड बहुत अच्छा था, डाइस बाय, ये वीडियो इतनी थी, बाय डाइस, सत्यता जय जिनेंद्र, खुदा हाफिज़।